इस चैनल पर दिखाए गए किसी भी प्रकार की खरीदारी करने से पहले कृपया विक्रेता से एक बार स्वयं मिलें, अन्यथा उससे हुई किसी तरह की असुविधा के लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। वेलकम बैक टू एफएससी एंटरटेनमेंट। साउथ मास्टर के साथ हूं एट मास्टर्स गोट फार्म। अस्सलाम वालेकुम साउथ भाई। वेलकम साउथ भाई, कांग्रेचुलेशंस ऑन योर न्यू वेंचर मास्टर्स गोट फार्म। थैंक यू फादर। महापोली में है ये? महापोली में है, भिवंडी में। भिवंडी में, वाड़ा रोड पे। ओके, एंड इट इज रजिस्टर्ड ऑन गूगल मैप्स एज वेल इफ समबडी वांट्स टू कम। गूगल मैप पे नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, स्क्रीन पर भी दिया गया है। मास्टर्स गोट फार्म का कॉन्सेप्ट क्या है साउथ भाई? मास्टर्स गोट फार्म का कॉन्सेप्ट थोड़ा एक्सोटिक गोट्स का है। ओके, क्योंकि जैसे मेरा जो पहले से एक है एक्सोटिक गोट्स का, जैसे बोर हो गए, सारिन हो गए, अल्पाइन हो गए, टॉगन बग हो गए, तो मेरा कॉन्सेप्ट उस पर ही ज्यादा फोकस है और अंडू पर ही ज्यादा है। ओके ओके, तो क्या है यानी कॉन्सेप्ट? ऐसे पलाई है कि भाई ट्रेडिंग है? हाँ, पलाई भी है, ट्रेडिंग ज्यादा है, पलाई थोड़ा कम है। ओके, ट्रेडिंग ज्यादा है। ओके, पलाई सिलेक्टेड अच्छे गोट्स जो फ्रेंड लोग के है वो सब मैं रखूंगा। ठीक है, हम एक फार्म का ओवरव्यू भी दे देंगे बाद वाली वीडियो में। फिलहाल विल स्टार्ट विद योर खसी गोट्स। जी ठीक है, ये आपने लॉट लेके आयो साउथ भाई? खसी का लॉट है। कितने बकरे हैं? माशाल्लाह पूरा झुंड अच्छा खासा दिख रहा है। 90-95 गोट्स है। 90-95 गोट्स, या एंड सोजत है सारे के सारे? सोजत है। इसमें कितने अंडुल, कितने खसी है? मेरे ख्याल से 3-4 ही अंडू होंगे। ओके, और बाकी सब खसी है। ओके, और कितने दांत से हो गए? पालने वाली चीजें क्या, कुर्बानी करने वाली? नहीं, सब कुर्बानी वाले ही है। कोई इसमें है 2-2, 4-4 दांत के जो पाल सकते हैं। हाँ हाँ, गुलाबी बच्चे भी है। और ये कहाँ का माल है? गुजरात का क्या? गुजरात का है सब। ओके, सब गुजरात का माल है। तो अभी जो है आप जो स्ट्रेच में हो सौदा, जैसे आई आस्क यू इन द लाइव सेशन ऑन इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब कि यू आर इन अ वेरी कम्पेटिटिव जोन। वेरी कम्पेटिटिव, वेरी कम्पेटिटिव जोन। हर हफ्ते हर दिन ऑनलाइन वीडियो आ रही है। राइट, व्हेन द रेट्स आर ड्रॉपिंग। राइट, है ना? पब्लिक अगर रेट्स हाई है तो बताती नहीं है, रेट्स लो तो डेफिनेटली पब्लिश करते हैं। आर यू गोइंग टू पब्लिश द रेट इनका? अभी तो मेरा फिलहाल कुछ पब्लिश करने का ऐसा इरादा नहीं है, पर फिर भी एक है कॉम्पिटिटिव में। वो रेंज बता सकते हो कहाँ पर केजी से शुरू होता है, कहाँ तक के रहेगा? एक 475 से मिनिमम स्टार्ट होएगा। ओके, और वो 550 तक का जा सकता है। ओके, और ये बकरे जो है अप टू 90 केजी से? अप टू 90 केजी से। सबसे छोटा वाला जो 475 वाला है वो कितने किलो का बकरा? 50-60 किलो के आसपास। अच्छा, लोग मुझसे ये कमेंट में बोल रहे थे कि भाई आप जब जाओगे किलो के हिसाब से जो बेचता है उनको ये जरूर पूछना है कि लास्ट टाइम जब वो गाड़ी रोक दी गई थी बॉर्डर एरिया पे तो फार्मर्स वाले लोग ने एडवांटेज लिए थे, ऐसा लोगों का कहना है। आई डोंट नो, लोग कहते थे कि भाई प्राइस बढ़ा दिए थे लास्ट 3-4 दिन। सो अगर ये जो प्राइस बोल रहे हैं 475-550, ये अगर बकरे नहीं बिके, आई होप कि बिक जाए फटाफट, इन केस यू आर लेफ्ट विद सम गोट्स, आप क्या वही एग्जॉर्बिटेंटली हाई रेट में बेचोगे? देखो कैसा फात भाई, ये दोनों साइड का है, सिक्के के दोनों साइड है। राइट, जैसे कि अभी जो पब्लिक घूम रही है लेने के लिए वो सब फार्मों पर जा रही है, सब जगह रेट पता कर रही है, सब अपने रेट लगा रहे हैं। तो कैसे अभी फार्मर लोग, अभी जो जितने भी फार्म वाले हैं वो कोई कभारा कभी तोड़ के भी दे देते रेट, लेकिन जब माल खत्म होता है तो डेफिनेटली एक वो प्लस पॉइंट होता है। तो डिमांड ज्यादा रहेगी, सप्लाई कम रहेगा, तो वो हर बिजनेस का, हर बिजनेस का रूल है, कुछ ऐसा कुछ गोट फार्म में नहीं है। पर ऐसे में दूसरे फार्म पे भी कवर किया था, वो वीडियो भी है हमारे फार्म पे, जैसे दे विल नॉट टेक एडवांटेज, एडवांटेज तो कोई भी नहीं लेगा। जैसे मैंने अभी 475-550 बोला तो ऐसा नहीं कि मैं 700 रुपए उस टाइम पे बोल दूंगा या कोई भी फार्मर, बट वो रेट में शायद दिख चुके हैं ना लास्ट ईयर लास्ट मोमेंट पे, जिसने बेचा है वो मुझे बेचा होगा अभी सब नहीं। आप खुद ट्रेडर थे लास्ट टाइम, आई रिमेम्बर, आई कवर्ड योर खसी गोट्स लास्ट टाइम, पर हमारा माल तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही बिक गया था काफी, तो वो लास्ट के लिए हम लोग के पास कुछ बचा ही नहीं था। सो यू रिग्रेट, रिग्रेट भी है और ठीक है, हो गया तो हो गया। जो देखो डर भी होता है,
और नहीं भी होता है, आज डर है। अभी जो है ये जो जो लोग बकरे लेके आ रहे हैं, आपको किस चीज का सबसे बड़ा डर है? देवनार खुलने का डर है? नहीं, देवनार खुलने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, देवनार खुलने से कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा फार्म को, क्योंकि फार्म पे हार्डली आप सब फार्म को गिनती करोगे अगर बकरो तो हार्डली 15,000 to 20,000 के आसपास गोट। और देवनार में 2 लाख आते थे, इसमें नहीं बोल के आई थिंक 1.5 लाख से ऊपर तो खसी होते होंगे। हाँ, तो वही ना, तो देवनार से कुछ इतना फर्क नहीं पड़ता है, कुछ फर्क नहीं, खपत तो है ही बॉम्बे की मार्केट में। ओके, एक एक टाइम पर देवनार में 3-3 लाख बकरे भी आ चुके हैं। नहीं, लेकिन आप फार्म का गिन रहे हो ना, 15-16 हजार, लेकिन देवनार नहीं खुलने से हर गली कूचे में मंडी लग रही है। हाँ, लग रही है, तो उतनी तो खपत भी है ना, बकरों की उतनी सेलिंग भी है, उतना जा रहा भी है, बकरा जाएगा ही उतना। ओके, सो व्हाट इज इट दैट यू फियर द मोस्ट? आप फार्मर लोग को सबसे ज्यादा फियर किस चीज का है? मोर्टैलिटी का है? मोर्टैलिटी का है। देखो, अभी इतनी दूर से हम लोग भी बकरे लेके आते हैं ना फाद भाई, जैसे कि 20-22 घंटा का बकरे ट्रैवल करके आते हैं, पहले तो उनको 3-4 दिन आप कुछ दे नहीं सकते हो जी, फीड नहीं, मतलब खाली हरी पत्ती दे सकते हैं और दाना वाना दे सकते हैं, दाना नहीं दे सकते अभी 3-4 दिन, तो उसमें बकरे वजन टूटते हैं, ट्रैवलिंग में वजन टूटते हैं, तो वो हिसाब से थोड़ा एक वो डर रहता है, और उसमें अचानक से कभी कस्टमर आ गया तो वो प्रॉब्लम रहता है। बकरे जाएंगे नहीं बाहर, क्योंकि बाहर पानी है, पानी हल्का फुल्का पानी है। चलिए, तो इसमें से थोड़ा आपने डर क्या कहा, एक तो ये है मोर्टैलिटी का है, बीमारी फैलने का है, राइट, और दूसरा जो है रेट का, रेट कॉम्पिटिटिव होता है, जैसे लोग कहते हैं कि भी कुछ लोग जो है वही बोलते अलग है और देते अलग। हाँ, देखो जैसे कि कोई कोई लोग 550 दाल भी देते हैं रेट, 575 दाल भी देते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो रेट में बेचते नहीं है, यानी कम में बेचते हैं, कम में बेचते हैं, क्योंकि तो काफी टाइम कोई रिश्तेदार आ जाता है, कोई तुम्हारा दोस्त आ जाता है, तो उसको तुमको उतना नेगोशिएट करना पड़ता है, राइट। अच्छा, ये बताइए अभी, बिकॉज आई सेड यू आर इन अ वेरी कम्पेटिटिव जोन, जो आप बोल रहे हो 450 से 550 तक के, राइट, ये रेट भी ऑलमोस्ट सभी दे रहे हैं, साउथ मास्टर के पास क्यों आना चाहिए लोगों को? क्योंकि सभी लोग एक ही चीज बोल रहे हैं, हमारे पास क्वालिटी है, हमारे पास गुलाबी है, क्वालिटी सब, तो आपके पास क्यों आना चाहिए? देखो, ऐसे भी जो बायर लोग जो है वो कभी ऐसा होता नहीं कि कोई एक फार्म पे गया और ले लिया, या मैं बोलूंगा मेरे वहाँ पर आओ, मेरे वहाँ से कोई डायरेक्ट लेके जाएगा नहीं, वो तो सब फार्मों पर घूमते ही जी, सब फार्म पर जाते हैं, सबके रेट लेते हैं, अब मेन चीज होती है वो पसंद के ऊपर होता है, राइट। देखो, सबके पास सोचा ही है, जनरली इन बकरों में देयर इज नॉट मच टू चूज फ्रॉम, वैरायटी नहीं होती है ना, वैरायटी नहीं उसमें सिलेक्टेड निकल जाते हैं, बहुत ज्यादा खूबसूरत, बहुत ज्यादा खूबसूरत, जो आपके रेट ऊपर हो जाते हैं उसके, वही रेट ऊपर होते हैं, बाकी तो सबके आप एवरेज गिनने जाओगे ना, सब फार्म तो क्या दे रहा है साउथ मास्टर, पब्लिक बोलेगी साउथ मास्टर का मास्टर्स गोट फार्म पब्लिक को क्या दे रहा है जो कंपेल करेगा कि भाई यहाँ पर आके लीजिए? What is it that is in for customer? Customer के लिए क्या है आपकी तरफ से? आप क्या फ्री रिप्लेसमेंट दे रहे हो, खुदा ना खासा कुछ हो जाता है, कुछ कंसेशन दे रहे हो, फ्री डिलीवरी दे रहे हो, सो व्हाट इज इट दैट यू आर ऑफरिंग टू द कस्टमर्स ऑफ दाई? फ्री रिप्लेसमेंट तो फिलहाल कुछ भी नहीं है, क्योंकि मोर्टेलिटी तो वो तो किसी के हाथ में नहीं है, बहुत कम लोग देते हैं, बहुत कम लोग देते हैं, तो अच्छी बात है, जो भी देता है वो अच्छा ही है, क्योंकि कस्टमर का ही फायदा है वो। और नहीं तो आप क्या दे रहे हो, क्या आई मीन ऐसा होना चाहिए कि भाई ये वीडियो आई है, साउथ मास्टर शुड बी द फर्स्ट फार्म दैट वी शुड विजिट, आप क्या कंपेल कर रहे हो, व्हाट इज इट? देखो, अभी जैसे आने वाले जो है ना वो कैसे लास्ट ईयर के भी जो कस्टमर्स है वो एक नाम के हिसाब से भी आते हैं, एक दोस्ती के हिसाब से भी आते हैं, बकरे तो उनको बाहर भी मिलते हैं, लेकिन आपका नाम जो है डेफिनेटली सोजत से नहीं है, नहीं है, नहीं, आपका नहीं, नाम जो है एक्सोटिक से है, ये मेरा फर्स्ट ईयर है होल एंड सोल, मेरा सोजत का पूरा जो। तो क्यों लोगों को सबसे पहले, मेरा वही क्वेश्चन है कि सबसे पहले साउथ मास्टर के पास लोगों को क्यों आना चाहिए? देखो, एक बार आके आदमी देख सकता है कि भाई क्या क्वालिटी आई हुई है, और फिर वो तो पसंद के ऊपर है, थोड़ा रेट कॉम्पिटिटिव हो सकता है, मैं जो जहाँ पर हुआ अभी। सो व्हाट यू आर सेइंग इज जो 450 ऑनवर्ड्स आपने बोला है, यू विल नॉट बी स्टक ऑन दैट रेट, अगर राइट पार्टी आती है, सौदा होता है, क्वांटिटी लेते हैं, जैसे कोई 10 लेता है, कोई 12 लेता है, कोई 15 लेता है, तो उसमें हमको रेट में कर दोगे आप, स्टबर्न नहीं हो? नहीं, स्टबर्न नहीं, स्टबर्न नहीं है, ठीक है। Actually, I'll not ask you more questions about why South Master का farm. Let's see what do you have special South. ये जो बकरा है, ये जो लेके खड़े हो, और details क्या है इसकी? One of the best goats. वन ऑफ द बेस्ट को, इसकी हाइट लेंथ काफी अच्छी है माशाल्लाह, छोजत है, और ये मैं क्या 4 या 6 दांत का होगा, देख लीजिए इसके दांत कितने हैं, देखो 4 दांत, 4 दांत माशाल्लाह, बहुत अच्छा है, कितनी हाइट ये पल्टी में भी जा सकता है बकरा, 39 to 40 रहेगी, 39 to 40, और ये पल्टी में भी जा सकता है, अभी जैसे कि ये 4 दांत का है। अभी आप क्योंकि पलाई का कॉन्सेप्ट लाए हो जी, राइट, बनाए हो पलाई जी, और कितने खसी बकरे अकोमोडेट कर सकता है आपका? 100 खसी बकरे, 100 खसी माशाल्लाह,
क्योंकि अभी मेरे उतने हैं ही ना खस्सी, कितना मैं तो ये लोगे आप लाया खस्सी का? हूँ कितना लोगे? खस्सी का 3,000। 3,000 रुपये लोगे, सेम रेट, सेम नॉट रेट। डिफरेंट, खाली अंडुल का जो है वो थोड़ा अंडुल का थोड़ा प्रीमियम अलग रहने रहेगा, वाला है। प्रीमियम रहेगा। ओके ओके, और वो प्रीमियम में वो जैसे कि प्रीमियम सेटअप भी मिलेगा और प्रीमियम देखभाल भी मिलेगी, तो वो हिसाब से प्रीमियम रेट वो रहेगा। डेफिनेटली देख लेना लोग कैसा है, हाँ चलाइए देखे, चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं है। एक घुमा आध जो बकरे हैं वो हम वजन भी कर देंगे, बोले जी, कि यू वांट ये कि दूसरा कोई वजन करे हल्का वाला, तो कौन सा ये भी बेटर कर है लो, कोई भी ये कर कर लो लें, जी। ठीक है। मशीन देख लीजिए, मशीन एब्सोल्युटली एक्यूरेट है। लोगों की ये भी हाँ आशंका होती है कि भाई मशीन में गड़बड़ी होती है, जी तो सबसे पहले आके मैंने साउथ मास्टर की मशीन ही चेक किया, एब्सोल्युटली परफेक्ट, जीरो है। एंड माई वेट इज अराउंड 76-77। 76.5 किलो का बकरा है अप्रॉक्सीमेटली, तो ये वजन का बकरा, ये बीच में आता है 50 और 90 के बीच में, 50 और 90 है ना, तो ये कितने रुपए किलो के हिसाब से बिक जाए? 500 रुपए, 500 रुपए के हिसाब से, 500 रुपए, 500 सवा 500 के हिसाब से। सो 75 35 और अप्रॉक्सीमेटली 40 के अंदर आ जाएगा, आ जाएगा, इसलिए आ जाएगा। वो एक लाल मुंडा लिया, एक एक सस्ता वाला वो जो आप जो बोल रहे हो, फोर छोटा सेवेंटी फाइव छोटा निकालो मामा भाई, कोई यहाँ से लेता है सौदा भाई? ये मुंडा लो ना, ये सौदा आगे वेट मामा। ऑन डिलीवरी है कि नहीं, क्या है? वेट ऑन डिलीवरी भी रह सकता है, ये लो, ये वाइट मुंडा लो, ये वाइट उसको खोल दो बेचारे को। हाँ ले, ये छोटा वाला है, ओके खोल, सौदा कितना दिन हो गया बकरों को आते हैं यहाँ पर? अभी 3 दिन ही हुए फाज भाई, जो वेट ये थोड़े बहुत जो कम आ रहे हैं ना, जी जी, इसका रीजन ये भी है कि अभी ये 2-3 दिन हुआ आके, तो और कितना वजन थोड़े हैं आपके बकरों ने? आपने डेफिनेटली फिर वजन भी करा है ना वहाँ पे? तो मेरे अंदाज से 5 से 6 किलो थोड़े हैं, 5 से 6 किलो तो रिकवर नहीं बारिश किया बहुत अभी है। तक हाँ रिकवर नहीं किया अभी नहीं, अभी नहीं हुए ना, अभी तो एक तो बारिश भी है और दाना अभी तक गया नहीं है लोग को, जब दाना जाएगा तो इंशाल्लाह। सौदा ये है जो स्टार्टिंग रेंज का है, पर ये पर देखो फाद भाई, ये बच्चा देखो पूरा गुलाबी बच्चा है, हाँ, और ये 2 या 4 दांत का ये भी होगा, गोल बच्चा एकदम, अभी खाली ये थोड़ा गंदा है जी जी। तो गेट खोल दो, वहां से गेट खोल दो, हाँ खोल लो, चल पकड़ लो, लाओ इधर ला। तो ये जो है ये कितना रुपए किलो में आ जाएगा? वही 475 आपका कलेक्शन बता देता है, थोड़ा आगे आओ, थोड़ा आगे आओ तुम लोग, आने दो और आगे आओ, बकरे आने दो आगे। सब भाई अजान हो रही है, कैन वी टेक अ पॉज फॉर अ मिनट? क्या सब भाई, क्योंकि अजान भी हो रही थी और बारिश भी आ गई, तो बकरे जो है अंदर लेके आ गए, एंड दिस इज द बेस्ट पार्ट अबाउट योर फार्म इज घर जैसा है इनका बना हुआ, और इसमें कुछ अंडुल बकरी भी है, कौन से है बता देंगे हम, और वो क्या रेट में आप दे रहे हो? 4-5 हो गए मामा, वो अंडुल लेके आओ, लाल मुर्गी वाला, सौद भाई कोई यहाँ पे लेता है ये 450-500 या 550 रुपए किलो के हिसाब से? अभी जून एंड तक के कोई खरीद लिया तो 20 दिन तक के रखता है यहाँ पे? विल यू बी चार्जिंग एनीथिंग पर डे? नथिंग, कुछ नहीं, फ्री है, खाली है, ये ऐसा है कि वेट ऑन डिलीवरी रख सकते हैं कि जैसे अभी नहीं, अभी अगर मैंने 50 किलो का बकरा लिया है एक सर्टेन केजी पे वेट करके, तो पैसे दे दिया, उसके बाद मुझे कुछ नहीं देना है ना, ईद में लेके जाना है, जिनको वेट ऑन डिलीवरी चाहिए वो भी है, वो भी है, ओके। कितना बढ़ेगा देखो, वेट ऑन डिलीवरी में क्या होता क्या फायदा है? दोनों दोनों जन का फायदा है इसमें, कि एक तो अगर वेट बढ़ा तो हमारा फायदा, और वेट नहीं बढ़ा, मैं वेट अगर कम करके दिया राइट, तो सामने वाले का नुकसान, तो उसको भी अच्छा नहीं लगेगा, तो दोनों जन का होता है। यहाँ ले गए, कितने दांत पे देख लीजिए, उसके दांत देख लीजिए फिर, हाँ 4 दांत पे है, घुमा
सो ये है चार दांत पे सोजित बकरा, राइट। कितने किलो पे होगा अप्रोक्सीमेटली? 65 ज़्यादा है, 70 70 किलो का बकरा है। अंडू हाइट मस्ट बी अराउंड 37। और कितने में देना है आपको? किलो वाइज देना है? किलो वाइज, ये भी किलो वाइज। व्हाट इज द रेट फॉर दिस वन? ओके ओके, इतना 35,000 रुपये तकरीबन, 35 से कम ही पड़ेगा लोगों को, ठीक है आपको लगता है? अंडू सोजत, हाँ ठीक है, अंडू सोजत है, चार दाँत है, दाँत भी कम है, और गुड्डा बकरा भी नहीं, फ्रेश है, पालने वाली चीज़ है, पालने वाली चीज़ है, पाल भी सकते हैं, अच्छे अच्छे ठीक है। ठीक है, एक ये है अंडू, और कहाँ पे रखा हुआ है? क्योंकि अंडू की बहुत डिमांड होती है। और 90 किलो के बकरे कौन कौन से? हमने जो आपने 90 एक्सपेक्ट किया था वो तो 75 निकला, विच इज दी हैवीएस्ट गोट दैट वी हैव हियर? जैसे कि ये तो ये ब्राउन मुंडी वाला, ब्राउन मुंडी वाला ये बकरा अभी वेट थोड़ा है, ये मैंने 88 वजन किया था। ये वाला बकरा वो एक लाल कान वाला है, मुंडा चिट्टे चिट्टे वाले हैं वो, चिट्टे चिट्टे वाले कितने किलो के हिसाब से? वो भी 85। पेट वेट 100 रुपये अंदर घुस गए क्या है? क्या अनाज अभी टाइम पे गया नहीं है? अभी दो दिन तीन दिन हो गया, किसी को भी अनाज डाला ही नहीं है। ओके, क्योंकि अभी सब सफर कर क्या है, अब आज से अनाज डालना शुरू करें। तो अभी क्या खा रहे? वही गोला जीरा और हरी पत्ती, हरी पत्ती और गोला जीरा। एक बार अनाज जाएगा, अगर बारिश वारिश भी थोड़ी रुकी है, धूप आए, थोड़े बकरे सेट हो गए। सबसे हल्का बकरा कौन से किलो का है ये? जो 50 से 50 की जो हमने जो निकाले, आई थिंक दैट वाज की दिस स्मॉल होगा, थोड़े छोटे रहेंगे। सो द लास्ट टाइम आपके बड़े बकरे थे ना, आई रिमेंबर, आप लास्ट टाइम तो जो किए थे, तो क्या क्या आपने, व्हाट डिड यू लर्न बाय सेलिंग सोजत बकरे? पब्लिक ज्यादा किस चीज को प्रेफर करती है? क्या हर एक का अलग अलग मार्केट है? ज्यादा जो स्टार्टिंग के जो सेल होते हैं, हाँ, जो बकरी थे 20 दिन पहले 25 दिन पहले, वो बड़े बकरे छड़ जाते हैं, वो बड़े बकरे बिकते हैं, अच्छे बकरे बिकते हैं, खूबसूरत जो 100 किलो 90 किलो राइट वो बिकते हैं। उसके बाद में एंड में जो लास्ट वीक बचती है, हाँ, उसमें ये सब छोटे बकरे निकलते हैं। ओके, ये दूसरा एंड है, सो ये गंडू है, ये कितना होगा? 50 किलो नहीं, 60 किलो के आसपास, 60 किलो के आसपास होगा। कितने दांत पे है? दांत कितने लगे? देख लीजिए, चार दांत पे है, चार दांत, 60 किलो और 36-37 हाइट होगी अप्रॉक्सीमेटली। ये क्या हुई? 475 केजी के हिसाब से। एक और चीज़ पब्लिक कतराती है सौदा, लास्ट टाइम में ऐसा हुआ था कि भाई ये जो चेकना था ना, हाँ हाँ, यहाँ पर इशू हो गया था। सो व्हाट डिड यू डू इन दैट केस? कि आप कोई अपना लेटर हेड है कंपनी फार्म का, और हम लोग ने खुद जाके वहाँ पर चेक पोस्ट पे बात करके आए थे। ओके, पर्सनली तो ऐसी कोई दिक्कत हो जाएगी तो आप जिम्मेदारी लेते हो बकरा पहुँचाने की? फुल जिम्मेदारी तो नहीं ले सकते, पर जितना हो सके हमको तो बकरा वहाँ पर चले जावे तो अच्छा ही है। आप क्या रिकमेंड करते हो, कभी लेके जाना चाहिए लोगों को? थोड़ा जल्दी अगर ले ले, 4-5 दिन, 20-21 तारीख को ईद है, क्योंकि एंड में थोड़ा ज्यादा वो लोग एक्टिव हो जाते हैं, वो तो करते भी थोड़ा वो हिसाब से, तो 5-6 दिन पहले लेके चले जाइए, दैट इज द एडवांटेज। सो ये है सोजत लॉट, वंस अगेन टू रिवाइज, 50 किलो से लेके 90 किलो तक के बकरे अपने पास, और रेट जो है स्टार्टिंग 475 रुपीज पर केजी, मैक्सिमम जो है 550। वंस अगेन नेगोशिएबल है प्राइसेस, नेगोशिएबल है, आप आके क्वांटिटी में लो, डेफिनेटली ही विल नॉट बी स्टक ऑन द प्राइसेस। डिलीवरी जो है ऑफ कोर्स चार्जेस विल बी एक्स्ट्रा, बॉम्बे में ही करोगे कि बॉम्बे के बाहर एतराफ में जो करते हैं? हाँ, बाहर भी है ना, अगर ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है फेयर इनफ तो चले जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बिकॉज यहाँ पे अच्छा खासा अंडू लो खस्सी का सेटअप बन चुका है, खस्सी को ही अगर पालना चाहे यहाँ पे साउथ मास्टर के पास, तो कब से आना शुरू करेंगे? ईद के बाद से 3,000 रुपए पर मंथ। वैक्सीनेशन चार्ज लोगे? नहीं, वैक्सीनेशन चार्ज नहीं, और अंडुल का जो चार्ज है यू विल डिसाइड लेटर ऑन, क्या भी लेटर ऑन। चलिए, वंस अगेन नंबर जो है स्क्रीन पर दिया गया है। वी मिस आउट ऑन 3 गोट्स जो आपके बहुत अच्छे बकरे हैं, इसमें से कुछ बिक चुके हैं? हाँ, 2 बिक चुके हैं, खास एक बचा हुआ है। कौन सा वाला? इसमें से मुंडा ले गया, सदा है कि गुलाबी है कि लाल स्किन है? समझ नहीं आया, गुलाबी है, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये कवर इमेज में जो लेके खड़े थे वो बकरा है कि दूसरा? नहीं, ये दूसरा वाला है, दूसरा बकरा है। कितने किलो पे होगा अप्रोक्सीमेटली? ये 80-85 होगा। क्या हाइट है? हाइट 38। कितने दांत पे देखिए आप? ये
चार छः दांत, छः दांत पे हैं ये 550, ये 550 रुपीज़ पर केजी। चलिए जिस किसी को भी लेना है विजिट कीजिए। एनी टाइम वॉक इन अलाउड है सर भाई कि कॉल करके आना चाहिए? कॉल कर देंगे, कॉल करो तो बेटर है, वी आर नॉट ऑलवेज अवेलेबल ना। ऑलवेज तो हूँ मैं, अभी तो फिलहाल बकरीद तक तो रहूंगा, पर फिर भी कभी कभार बीच में कभी घर गए तो वही। फेयर एनफ, ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।